बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप यू आर ऑल फाइन। इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने ऐड अकाउंट को जो है वो iOS 14 कंप्लाइंट जो है वो कर सकते हैं। तो अभी आजकल अगर जो है वो आप लोग कंपेन्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा ये रिसोर्स सेंटर के ऊपर जो है वो येलो साइन जो है वो आप लोगों के पास आ रहा है। और अगर इसको जो है वो आप लोग क्लिक करके यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे मुख्तलिफ पिक्सल डोंट हैव कन्वर्जन इवेंट और इस तरह की कुछ चीजें जो है वो आ रही होंगी आपके पास। इसी तरह ऊपर एड अकाउंट के आप लोग देख सकते हैं ये रेड साइन जो है वो आ रहा है, फेसबुक टू हेल्प एड्रेस iOS 14 चेंजेस, इस तरह का कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो आ रहा होगा। या अगर जो है वो आप लोग कंपेन बनाते हैं और जस्ट एग्जाम्पल मैं कन्वर्जन सेलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ इसको, और उसके बाद जैसे मैं एडसेट लेवल के ऊपर आता हूँ, इवन मैंने वेबसाइट सेलेक्ट किया हुआ है लेकिन यहाँ पे कोई किसी किस्म का इवेंट मेरे पास अपीयर नहीं हो रहा, लाइक ऐड टू कार्ट, चेकआउट, परचेज वगैरह जो है वो। और अगर दूसरों के ऊपर जा रहा हूँ तो वहाँ पे इवन जो है वो इवेंट्स जो है वो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर सी अपडेट्स पे अगेन जाऊँ तो चेंजेस टू पिक्सल इवेंट्स और अगेन iOS 14 वाला जो है वो मैसेज आ रहा है। तो किस तरीके से आप लोग अपने अकाउंट को जो है वो iOS 14 कंप्लाइंट जो है वो कर सकते हैं, वो सारा इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, बिजनेस सेटिंग्स के अंदर जो है वो जाना है। सो जस्ट एग्जांपल यहाँ से बिजनेस सेटिंग्स, और बिजनेस सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ब्रांड सेफ्टी के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, एक चीज जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो याद रखनी है, ब्रांड सेफ्टी की ऑप्शन आप लोगों के पास उसी टाइम जो है वो आएगी जब आप लोग जो है वो बिजनेस मैनेजर अकाउंट एक तो यूज कर रहे होंगे। सो पहली रिक्वायरमेंट है कि बिजनेस मैनेजर अकाउंट, नॉट पर्सनल एड्स मैनेजर अकाउंट। पर्सनल एड्स मैनेजर अकाउंट यूज नहीं करना, बिजनेस एड्स मैनेजर यूज करना है। और दूसरा, समटाइम हम लोग जो है वो एज एडवर्टाइजर काम कर रहे होते हैं दूसरे अकाउंट्स के ऊपर, तो आपके पास बिजनेस मैनेजर में एडमिन एक्सेस जो है वो मौजूद होनी चाहिए। अगर आपके पास एडमिन एक्सेस जो है वो नहीं है तो आप लोग जो है वो इसको जो है वो बेसिकली ये ऑप्शन नहीं होगी और अपनी डोमेन वेरीफाई नहीं कर सकेंगे। तो पहला स्टेप क्या, आप लोगों ने अपनी डोमेन वेरीफाई करनी है। तो ब्रांड सेफ्टी में आके पहले बिजनेस सेटिंग, फिर ब्रांड सेफ्टी और डोमेन्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है आपके पास। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो भी आपकी डोमेन होगी वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। www पुट नहीं करना, https वगैरह जो है वो कुछ भी पुट नहीं करना, सब डोमेन या इस तरह की कोई भी चीजें, सिंपली जो मेन डोमेन है आपकी, जिस तरह भी आपके पास यहाँ पे जो है वो दो डोमेन्स आपको नजर आ रही है, और .com उसके बाद अक्सर फॉरवर्ड स्लैश वगैरह की ऑप्शन होती है, तो फॉरवर्ड स्लैश भी पुट नहीं करना। सो abc.com फॉरवर्ड स्लैश नहीं पुट करना ना। हम लोगों ने क्या करना है, स्टार्ट में www या https पुट करना है, सिंपल डोमेन नेम जो भी आपकी डोमेन होगी वो यहाँ पे पुट करना है और ऐड डोमेन करेंगे। जैसे ही ऐड डोमेन आप लोगों ने करनी है तो यहाँ पे आ रहा होगा नॉट वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ पे नॉट वेरीफाइड की ऑप्शन जो है वो आ रही है, और इसको वेरीफाई करने के लिए तीन तरीके आप लोगों के पास जो है वो आ रहे हैं। पहला तरीका क्या है कि मेटा टैग वेरिफिकेशन के जरिए आप लोग कर सकते हैं, यानी अपनी वेबसाइट पे जाएं और जो यूनिवर्सल हेडर होता है बेसिकली उसमें ये सिंपली आप लोगों ने कोड पुट कर देना है। अगेन, जो आपकी वेबसाइट का यूनिवर्सल हेडर होगा उसके अंदर ये आप लोगों ने कोड पुट कर देना है, और उसके बाद यहाँ से वेरीफाई करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है HTML फाइल अपलोड की, यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे डाउनलोड HTML वेरिफिकेशन फाइल, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर जाना है, जो डोमेन की रूट डायरेक्टरी होगी वहां पे इसको जो है वो अपलोड कर देना है आपने, और फिर इस बटन के ऊपर क्लिक करके कंफर्म करना है। जैसे ही कंफर्म होगी उसके बाद वेरीफाई ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। थर्ड ऑप्शन DNS वेरिफिकेशन की है, इसके लिए अगर cPanel की आप लोगों के पास एक्सेस जो है वो मौजूद है तो डोमेन रजिस्ट्रार में जाएंगे, DNS रिकॉर्ड्स के अंदर आप लोगों ने एक न्यू रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट करना है, टेक्स्ट रिकॉर्ड
की ऑप्शन वहां पे जो है वो सिलेक्ट करनी है और वहां पे ये कोड जो है वो आप लोगों ने पुट कर देना है। बाजुकात होस्ट फील्ड भी जो है वो वहां पे रिक्वायर्ड होती है, तो वहां पे आप लोगों ने क्या करना है, एट द रेट पुट कर देना है। कुछ देर जो है वो वेट करेंगे। यहाँ पे इन्होंने जो है वो बोला हुआ है कि 72 आवर्स जो है वो इसको लगते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 5 से 10 मिनट के बाद ये अपडेट हो जाता है। अगर फौरी इसको वेरीफाई कर बटन के क्लिक करेंगे तो माइट भी ये काम ना करे, ठीक है, कर भी सकता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 5 से 10 मिनट के वेट के बाद अगर वेरीफाई आप लोग करेंगे तो ये हो जाएगा DNS वेरिफिकेशन। सबसे आसान तरीन तरीका मेरे अकॉर्डिंग मेटा टैग वेरिफिकेशन का है, ठीक है, मेटा टैग वेरिफिकेशन के ऊपर आप लोगों ने आना है, इस कोड को सिंपली कॉपी करें और वेबसाइट के यूनिवर्सल हेडर पर पुट कर दें और सिंपली इसको वेरीफाई जो है वो आप लोग करेंगे तो ये डोमेन जो है वो आपकी वेरीफाई हो जाएगी। तो अभी जो है वो मैं डोमेन वेरिफिकेशन एक कर चुका हूँ, यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं अभी ये मैसेज आया है, ठीक है, जो भी डोमेन थी वो वेरीफाई जो है वो हो चुकी है और यहाँ पे इसको डन कर देते हैं तो ये वेरीफाइड की ऑप्शन भी जो है वो मेरे पास यहाँ पे ग्रीन हो चुकी है। तो ये पहला स्टेप है कि आप लोगों ने क्या करना है, अपनी डोमेन जो है वो वेरीफाई करनी है। अगेन बोल रहा हूँ, पहला स्टेप जो है वो आप लोगों ने अपनी डोमेन जो है वो वेरीफाई करनी है। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। डोमेन वेरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप लोगों ने जो है वो इवेंट्स मैनेजर में जाना है। सो यहाँ पे ये इवेंट्स मैनेजर की ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों ने एग्रीगेटेड इवेंट्स जो है वो सेटअप करने हैं। यहाँ पे आप लोगों ने एग्रीगेटेड इवेंट सेटअप करने हैं, तो वो कैसे सेटअप करेंगे, स्टेप टू के ऊपर है हम लोग अभी। तो यहाँ से पिक्सल डाटा के ऊपर यहाँ पे पिक्सल और कन्वर्जन API आ रहा है और सेकंड आ रहा है एग्रीगेटेड इवेंट्स मेजरमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है आप लोगों ने, ठीक है, और यहाँ पे कन्फिगर इवेंट्स की ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपके पास आ जाएगा, अभी जो मैंने डोमेन वेरीफाई किया डोमेन वेरीफाइड आ गया, ठीक है, और यहाँ पे अभी येलो साइन है क्योंकि मैंने अभी कोई एग्रीगेटेड इवेंट सेटअप नहीं किया। तो मैं मैनेज इवेंट्स में जाता हूँ, एडिट ऑप्शन के ऊपर गया और यहाँ से एड इवेंट्स की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोगों ने जो है वो पिक्सल सेट करना है, अगर कस्टम कन्वर्जेंस बनाई होंगी वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक पिक्सल कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपके पास एरर जो है वो आता रहेगा। तो पिक्सल सेटअप किया, अब यहाँ से पिक्सल इवेंट्स, अभी मैंने लेटेस्ट पिक्सल जो है वो इंस्टॉल किया है, तो सबसे हाइएस्ट प्रायोरिटी इवेंट जो होगा वो आप लोगों ने इसको ऊपर रखना है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इवेंट ऊपर रखना है। वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन जिस तरह वेटेड एवरेज या वेटेड वैल्यू वगैरह होती है वो देना चाहें, सो जस्ट एग्जांपल अगर इसको जो है वो आप लोग ऑन करते हैं और इसकी वेटेड वैल्यू 3 रखते हैं 2 रखते हैं तो इनको पता चल जाएगा सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ये, अदरवाइज नॉर्मली मैं यूज नहीं करता, क्योंकि अगर जस्ट एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 रख देंगे तो टोटल हम लोग ये यहाँ पे इवेंट स्लॉट्स 8 पुट कर सकते हैं, तो अगर ये 3 हमने ये पुट कर दिया तो बाकी 5 की ऑप्शन रह जाएगी। अगर इसी तरह इसकी वैल्यू हम लोगों ने 5 पुट कर दी तो पीछे 3 जो है वो हम लोग इवेंट्स बना सकेंगे, ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इसको जो है वो ना करें। उसके बाद सेकंड आप लोग आ गए, अगेन पिक्सल जो है वो सिलेक्ट कर लें, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी इवेंट जो होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर देना है। इसी तरह थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी इवेंट, अच्छा अभी ये मेरे पास क्योंकि बेसिकली जो है ई कॉमर्स बिजनेस है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसके लिए ये ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। अगर आप लोग किसी लीड जनरेशन बिजनेस वगैरह के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन जो है वो और हो सकती है कि कोई भी आपका टॉप प्रायोरिटी इवेंट कौन सा होगा, ठीक है, तो ये अभी मैंने इवेंट्स जो है वो सेटअप कर दिए हैं। अगेन आप लोग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कौन सा हाईएस्ट प्रायोरिटी इवेंट है आपका, ठीक है, आप लोग सिंपली इनको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं अगर इवेंट्स बनाने के बाद, तो मैक्सिमम 8 इवेंट्स आप लोग जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने अभी 5 बनाए हैं, इट्स टोटली अप टू यू। उसके बाद सबमिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यस आई कंफर्म द चेंजेस, और ये भी है कि अगेन कह रहे हैं कि 72 आवर्स जो है वो इनको लग सकते हैं, अप्लाई कर देना इसके बाद आप लोग, ओके कर दें, ठीक है जी। तो ये डोमेन वेरिफिकेशन भी होगी, एग्रीगेटेड इवेंट सेटअप भी जो है वो हो गए हैं, ठीक है, अब सिंपली जब आप लोग जो है वो कंपेन्स बनाएंगे तो वहां पे किसी किस्म का कोई येलो साइन या कोई किसी किस्म का नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बाजू का ऑडियंस रिडक्शन या इस तरह का कोई येलो साइन जो है वो हो सकता है आपके एड अकाउंट में हो,
तो उसको आप लोगों ने जो है वो मार्केट्स कंप्लीट कर देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑप्ट आउट करते चले जा रहे हैं इससे iOS 14 से, तो इसलिए माइट भी आपकी ऑडियंस साइज जो है वो कम जो है वो हो जाए। तो अभी अगर मैं इसमें जाऊं, एड अकाउंट के ऊपर जाऊं, यहाँ पे देखें सेटअप कन्वर्जन, ये प्रीवियसली जो मेरे पास आ रहा था, क्योंकि कन्वर्जन जो है वो सेटअप नहीं थी। अभी दोबारा अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें, अगर मैं परचेज ऑप्शन के ऊपर आऊँ तो परचेज के ऊपर किसी किस्म का येलो साइन नहीं है, जबकि दूसरे इवेंट जो मैंने एग्रीगेटेड इवेंट्स में ऐड नहीं किए हुए उन सब के ऊपर जो है वो येलो जो है वो साइन आ रहा है, और iOS 14 पॉलिसीज वगैरह जो है वो आ रहा है। तो अभी अगर इसको जो है मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगेन परचेज ऑप्शन को जो है मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो किसी किस्म का इसके ऊपर येलो साइन जो है वो नहीं आ रहा। ये जो ऑप्शन आ रहा है येलो साइन सेटअप और कन्वर्जन, ये क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली पिक्सल इंस्टॉल किया, किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं है, इसलिए जो है वो ये आ रहा है। जैसे ही पिक्सल के ऊपर एक्टिविटीज वगैरह आएंगी तो ये येलो साइन भी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद सिंपली जो है वो पब्लिश कर देना। तो इस तरीके से आप लोग अपने अकाउंट को iOS 14 कंप्लाइंट जो है वो कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।